एसएलपी दाखिल होने का हवाला दिया था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली इस वक्त की बड़ी खबर। 11 जनवरी को मामले की अब अगली सुनवाई रहने वाली है। तो देखिए 11 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे किस तरीके से बिंदु में आज का ये पूरा दिन सुनवाई का रहा। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके थे और इसी के साथ सबसे पहले बड़ी खबर और इसके बारे में और डिटेल आपको हम बता देते हैं। देखिए जिस तरीके से ये जो पूरा मामला है अयोध्या की तर्ज पर इस पे सुनवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ जो पैरोकार थे वो भगवान की मूर्ति लेकर आज यहां पर पहुंचते हैं। अब ऐसे में क्योंकि इस पूरे मामले से संबंधित 14 से ज्यादा याचिकाएं इस समय लंबित हैं और इन तमाम जो पहलू हैं उनको लेकर भी लगातार सुनवाई के अलग अलग पहलुओं में ये देखा जा रहा है पिछले काफी समय से। अब इस मामले पे जो अगली सुनवाई है 11 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सर्वे को लेकर देखिए पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें जो है फैसला कहीं ना कहीं आ चुका था, वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में आज जो सुनवाई हुई है उसमें कौन कौन से बिंदु जो है वो खास रहे हैं, कौन कौन से बिंदु हैं वो जो खास रहे हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मानवेंद्र से इस समय हमारे साथ बने हुए। मानवेंद्र, पूरे मामले पे मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और 9 तारीख को इसमें डेट लगी है, लिहाजा इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पे सुनवाई का इंतजार किया जाए और उनकी तरफ से जो शाही ईदगाह पक्ष है उसकी तरफ से दलील दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने चूंकि आज कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होना था लेकिन जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी उसको कंसिडर करते हुए सुनवाई को फिलहाल 11 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद अपना कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की प्रक्रिया जो है उस पर आगे का आदेश देगा। तो निश्चित तौर पर उसके बाद 11 जनवरी को जब सुनवाई होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई बाध्यता नहीं रहती है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है, उस पर बहस शुरू हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये सुनवाई चल गई है। अगली सुनवाई अब 11 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच करेगी। तो देखना ये होगा मानवेंद्र की किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है उसके बाद क्या कुछ रहता है और उसी के आधार पर यहाँ पर तय होगा कि किस आधार पर जो जांच है वो आगे शुरू होगी, किस आधार पर जो इस केस की दिशा है वो मुड़ेगी। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश के खिलाफ जो है वो 14 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश किया था और 15 तारीख को जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके मामले को टाला था कि इस मामले में अभी उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला है लिहाजा इस पर वो सुनवाई नहीं कर सकते और ना ही कोई रोक लगाई थी, लेकिन आज जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में बहस की गई और दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर निर्णय लेगा उसके बाद ही इस पूरे मामले में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, तो हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को मानते हुए फिलहाल सुनवाई को टाल दिया है और 11 जनवरी को देखना होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या आदेश होता है और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। मानवेंद्र, इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो पैरोकार थे किस तरीके से वो कोर्ट परिसर में पहुंचते हैं, क्या कुछ खास चीजें रही इसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी देखिए, आज पूरा दिन इस पूरे मामले पर बहस होती रही, सरगर्मी पूरे हाईकोर्ट में देखने को मिली। जो हिंदू पक्ष थे उनकी तरफ से जो केशव देव जी महाराज हैं उनकी प्रतिमा लेकर के कोर्ट के अंदर गए और चूंकि उनको बताया गया कि बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ कोर्ट में पहुंचे हैं और बताया गया कि चूंकि केशव देव महाराज इसमें वादी नंबर 6 हैं लिहाजा उनको भी उनका भी बाकायदा कोर्ट की तरफ से पास इशू किया गया था, उनको लेकर के अंदर गए और जो हिंदू पक्ष था वो उम्मीद कर रहा था कि आज इस पूरे मामले पर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की कार्रवाई जो है वो उस पर बहस शुरू हो जाएगी हाईकोर्ट में और उसकी रूपरेखा तय हो जाएगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से अर्जी दाखिल करके मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है लिहाजा थोड़ा सा समय दिया जाए और ये भी कहा गया कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से ये दलील दी गई है कि जो सारे मामले जो ओरिजिनल ट्रायल के मामले हैं मथुरा में सिविल कोर्ट के वो सारे इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गए, उन्होंने उसको भी चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा सारे बिंदुओं पर पहले सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आ जाए उसके बाद ही हाईकोर्ट अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो दिन भर इन्हीं मुद्दों को लेकर के बहस
चलती रही और बाद में हाईकोर्ट ने अपना इन बिंदुओं पर समय लिया, फैसला सुरक्षित किया था और अभी कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल ये सुनवाई टाल दी गई है और 11 जनवरी को कोर्ट फाइनली इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा कि क्या कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए या नहीं, और इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट के रुख का। बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार रहेगा मानवेंद्र। और इस तरीके से, जिस तरीके से आज आपने बताया कि ये पूरा दिन रहा है सुनवाई का, कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की कोशिश है कि जल्द से जल्द कोर्ट कमिश्नर जो है नियुक्त हो जाए और मामले में जो जांच है वो आगे बढ़े। वहीं दूसरी तरफ जो बहस है वो आगे बढ़े। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि किसी भी तरीके से जो मामला है आगे बढ़ता रहे ताकि उनकी तैयारी को और ज्यादा समय मिले। कम से कम कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने से पहले जो और इश्यूज हैं वो सुप्रीम कोर्ट से तय हो जाए और सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने। मानवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट से वकील है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए, ये पूरा मामला अब नजरें टिकी है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुनवाई होती है उस पर क्या रहता है, किस तरीके से आगे चीजें रहेगी वो उसी के बाद आगे डिपेंड करेगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी काशी वाले केस में भी और इस वाले केस में भी ऑलरेडी ये मना कर दिया है कि हम कोई भी प्राइमरी, अभी कोई भी सुनवाई हम नहीं करेंगे जब तक कि कोई ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट का नहीं आ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हाईकोर्ट का है, कुछ गलत है, आपके गलत फेकर पे है, और स्टे जो इन्होंने जो पहले मांग करी थी कि सर्वे स्टे ना हो जाए। देखिए, ये जो हमारी सीपीसी का प्रोविजन 28 ऑर्डर 28 रूल से, ये बिल्कुल क्लियरली कहता है कि कमिश्नर अपॉइंट करने का पावर कोर्ट के पास होता है और बिना कमिश्नर अपॉइंट किए चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। जैसा कि आपने काशी वाले केस में भी देखा कि उसमें ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक भागते रहे, कोई उसमें कामयाबी नहीं मिली, आज रिपोर्ट वहां सबमिट हो गई, तो इस केस में भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ देखिए, जो मुस्लिम पक्ष का जो टैक्टिक हमेशा रहता है, जैसे राम मंदिर वाले मसले में भी देखा कि इनका सिर्फ यही रहता है क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, ना इनके पास इतिहास के नाम पर कुछ नहीं, तो सिर्फ ये चाहते हैं कि मामला टलता रहे जिससे कि ये सच्चाई देश के सामने ना आ पाए। बिल्कुल रुद्र विक्रम सिंह, इसके साथ आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने भी यहाँ पर बताया कि मुस्लिम पक्ष की एक ये कोशिश यहाँ पर रहती हुई दिखाई दे रही है, क्या वो इसमें कामयाब होते दिखाई देंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जैसा कि आपने कहा पहले भी इस मामले को लेकर कह दिया जा चुका है, अब ऐसे में कितना और समय लग सकता है? देखिए, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक जो भी ये अगर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको डिले कराने के लिए, तो महीना दो महीने से ज्यादा बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है उतना भी नहीं डिले होगा क्योंकि ये प्रोसीडिंग जैसे है वो चलती रहेंगी। जब पिछली बार भी गए लोग तो मना कर दिया गया, अब भी अगर आते हैं तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा ये डिले कर पाएंगे। हाँ, इनकी कोशिश हमेशा ये डिले करने की होती है, लेकिन अब जो है इनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी क्योंकि राम मंदिर का भी फैसला हम सबने देखा, काशी के फैसले में भी हमने देखा कि सर्वे, और ये एक देखिए कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, जो भी कोर्ट में जो सीपीसी है, जो भी लोग